सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। मथुरा का इतिहास। मथुरा उत्तर प्रदेश प्रांत का एक जिला है। मथुरा एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। लंबे समय से मथुरा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान सदा से रहा है। आज भी महाकवि सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरुवार स्वामी विरजानंद, कबीरदास खान आदि महान आत्माओं से इस नगरी का नाम जुड़ा हुआ है। मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और भारत की परम प्राचीन तथा जगत विख्यात नगरी है। शूरसेन देश की यहाँ राजधानी थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुंगरी, मथुरा आदि। भारतवर्ष का वह भाग जो हिमालय और विंध्याचल के बीच में पड़ता है, प्राचीन काल में आर्यावर्त कहलाता था। यहाँ पर पनपी हुई भारतीय संस्कृति को जिन धाराओं ने सींचा, वे गंगा और यमुना की धाराएं थीं। इन्हीं दोनों नदियों के किनारे भारतीय संस्कृति के कई केंद्र बने और विकसित हुए। वाराणसी, प्रयाग, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, कन्नौज आदि कितने ही ऐसे स्थान हैं, परंतु यह तालिका तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक इसमें मथुरा का समावेश न किया जाए। यह आगरा से दिल्ली की ओर और दिल्ली से आगरा की ओर क्रमश 58 किलोमीटर उत्तर पश्चिम एवं 145 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यमुना के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। वाल्मीकि रामायण में मथुरा को मधुपुर या मधुगाना का नगर कहा गया है तथा यहां लवणासुर की राजधानी बताई गई है। इस नगरी को इस प्रसंग में मधुदातिप द्वारा बसाई बताया गया है। लवणासुर, जिसको शत्रुघ्न ने युद्ध में हरा कर मारा था, इसी मधुदानव का पुत्र था। इससे मधुपुरी या मथुरा का रामायण काल में बसाया जाना सूचित होता है। रामायण में इस नगरी की समृद्धि का वर्णन है। इस नगरी को लवणासुर ने भी सजाया संवारा था। दानव, दैत्य, राक्षस आदि जैसे संबोधन विभिन्न काल में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। कभी जाति या कबीले के लिए, कभी आर्य अनार्य संदर्भ में, तो कभी दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों के लिए। प्राचीन काल से अब तक इस नगर का अस्तित्व अखंडित रूप से चला आ रहा है।